खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां बुरहानपुर के एक निजी स्कूल की दो छात्राओं की अश्लील फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में छात्राओं की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने दो छात्रों के खिलाफ नए कानून की विभिन्न धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट आदि मिलाकर 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। खास बात यह है कि नया कानून अस्तित्व में आने के बाद से पुलिस लगातार स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रही है। नए कानून के साथ ही सोशल मीडिया के गलत उपयोग के कारण सामने आने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी दो छात्र गलती कर गए और उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 और 8 के तहत केस दर्ज किया है। दिनांक 13/7/2024 को थाने पर हमारे पास रिपोर्ट आई है कि कुछ बच्चियाँ थी, उनका सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उसका वीडियो वायरल हुआ है और उस गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराते हैं। तत्काल उसमें एक्शन लेके उसमें देखा गया तो उसमें प्रथम दृष्टया तो FIR उसमें लॉन्च कर ली है। उसमें भी जो बच्चे थे वायरल करने वाले वो भी नाबालिग बच्चे ही थे, तो फिलहाल में अपराध दर्ज कर लिया है और उसमें औपचारी को सुधार करने के लिए भेजा गया है और उसमें अपराध क्रमांक 328/2024 अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और प्रकरण मामला दर्ज हुआ। इसमें छेड़छाड़ की धारा है और IT एक्ट में धारा है, इसके अलावा फास्ट एक्ट में कार्रवाई की गई है।